हराम में से बहुत सारे लोग करते हैं, मुझे पता है। अच्छा बिना जाने लिए अब मैं दावत देना अब होते हैं। दावत देना चाहूंगा स्टेज पर सबाह साथ साहिबा, आगे बढ़कर तालियों। वैसे उर्दू के हवाले से बहुत सारे अशआर मुझे अच्छे लगते हैं। एक और शेर भी अर्ज किया है, वो उर्दू का मुसाफिर है यही पहचान है उसकी, वो उर्दू का मुसाफिर है यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो मेरे वालदैन दोनों उर्दू के प्रोफेसर थे और बचपन से मैं उर्दू ही सुनती आई हूँ, बोलती आई हूँ, तो फिर मैं भी इसी तरफ आ गई। और मेरी कोशिश है कि उर्दू जबान का निफाज जो हम करना चाहते हैं उसमें कामयाब हो जाए इंशाल्लाह। तो अपनी ये गजल के कुछ अशआर पेश करती हूँ, वक्त भी कम है। जो एक बार बिछड़े फिर कभी ना मिले, जो एक बार बिछड़े तो कभी ना मिले, यूं ही चल चलाओ के हैं सिलसिले। मिले लोग यूं तो बहुत से मगर, मिले लोग यूं तो बहुत से मगर, तुझे मिल के फिर ना किसी से मिले। फसीलिक अना की रही दरमियां, फसीलिक अना की रही दरमियां, इसी तौर बढ़ते गए फासले। गए वो मगर हमको देखकर गए, गम ऐसा कि दिल पत्थरों के हिले। बहारों को भी खा गई है खजां, बहारों को भी खा गई है खजां, पलट कर वो आए न गुंचे खिले। और ये आजकल के हालात के हवाले से एक शेर है कि मिलेगा न जब तक कोई राहबर, मिलेगा न जब तक कोई राहबर, भटकते रहेंगे वही काफिले। मिलेगा न जब तक कोई राहबर, भटकते रहेंगे वही काफिले। और शेर किया है, सितम सिर्फ तुमने ही झेला नहीं, सितम सिर्फ तुमने ही झेला नहीं, हमें भी जमाने से है कुछ गिले। भला भाई भाई में क्या दुश्मनी, भला भाई भाई में क्या दुश्मनी, गले मिलेगा तो मिटे सब गिले। और मक्का है मौजूदा हालात के हवाले से कि सबाहत मुसलमान मुल्कों पे, सबाहत मुसलमान मुल्कों पे, कब तक चलेंगे यूं ही जुल्म के सिलसिले। सबाहत मुसलमान मुल्कों पे, कब तक चलेंगे यूं ही जुल्म के सिलसिले। और आखिर में उर्दू के हवाले से शेर कि अजब लहजा है उसकी गुफ्तगू का, अजब लहजा है उसकी गुफ्तगू का, गजल जैसी जबान वो बोलता है, गजल जैसी जबान वो बोलता है। बहुत शुक्रिया।